वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। आज के इस वीडियो में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के करंट अफेयर्स, भूगोल और इतिहास के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को आरपीएफ की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी निःशुल्क। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, जब इसे आप ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध ये कौन से सन में लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके बीच लड़ा गया था? हेमू और अकबर के बीच में। भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 30 सितंबर 2015 को किया गया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय कहाँ खोला है? तो रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय इम्फाल में खोला है। कहाँ खोला है? इम्फाल। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। योजना की सिफारिश पर वर्ष 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई? तो योजना की सिफारिश पर वर्ष 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की लेखिका को देने की घोषणा की गई। स्वेतलाना एलेक्सकेविच को फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फटा फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटुओ। वैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वैट का पूर्ण रूप होगा वैल्यू एडेड टैक्स। भारत G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? तो भारत G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2018 में कर चुका है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार ये पत्रकारिता से संबंधित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना की गई 1950 में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको कहां जमा किया जाता है? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। किस वर्ष 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूर्व और पश्चिम जर्मनी के पुनर्एकीकरण की कौन सी वर्षगांठ 3 अक्टूबर 2015 को मनाई गई? 25वीं। मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी किस देश के चित्रकार थे? तो मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ये इटली के चित्रकार थे। मार्लन जेम्स को उनके किस उपन्यास के लिए 2015 के मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मार्लन जेम्स को उनके ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किंग्स 2015 के मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चाइना ओपन 2015 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो चाइना ओपन 2015 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। 21 अक्टूबर 2015 को किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदन के रूप में नियुक्त किया गया? आलोक रावत को नियुक्त किया गया। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजहां किस देश में है? तो क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजहां ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाई जाती है। यूके में मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला हैं? तो यूके में मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला हैं हरभजन
कौर धीर। भारत में बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। डीआरडीओ ने 5 अक्टूबर 2015 को कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलीय केंद्र की स्थापना की? तो डीआरडीओ ने 5 अक्टूबर 2015 को लद्दाख के चांगला में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलीय केंद्र की स्थापना की है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय मुद्रा के प्रत्येक नोट पर धनराशि अमाउंट कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? तो भारतीय मुद्रा के प्रत्येक नोट पर धनराशि अमाउंट कुल 17 भाषाओं में लिखी जाती है। किस गैर सदस्य राष्ट्र का ध्वज संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पहली बार 30 सितंबर 2015 को लहराया गया? तो ये फिलिस्तान में लहराया गया। भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। पीएसएलवी C-30 यान द्वारा कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? तो पीएसएलवी C-30 यान द्वारा कुल 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य प्राप्त किए भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य है देश के 90% बच्चों को 2020 तक टीकाकरण कराना। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला हरकिशन लाल के द्वारा की गई थी। नेपाल में नया संविधान बनने के पश्चात पहली बार कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल में नया संविधान बनने के बाद पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने खड़क प्रसाद शर्मा ओली। सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला है रूपाली रामदास। हैदराबाद में स्थित देश के प्रतिष्ठित डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैदराबाद स्थित देश के प्रतिष्ठित डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर रखा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों में बांटती है? तो 38वीं पैरेलल उत्तर और दक्षिण कोरिया को आपस में बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कौशल कब कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो तीसरी बौद्ध कौशल ये 250 बीसी में के संरक्षण में हुई थी। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध कौशल कब और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध कौशल ये 483 ईस्वी में बीसी राजग्रह अजातशत्रु के बीच में हुई थी। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था।
चौथी बहुत कौशल कब और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD कुंडलग्राम कश्मीर कनिष्क। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 19% पर भूभाग वन है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बड़ी ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कुल 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार सम्भव, रघुवंशम किसकी रचनाएं? तो ऋतु संहार, कुमार सम्भव, रघुवंशम ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। खुजराव के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खुजराव के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित? तो घना पक्षी विहार भरतपुर के राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ केरल गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप मेरा संघर्ष ये अल्डोफ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल काल मास की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो ने लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग या गरसोपा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खाने कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 1.3 सेकंड का समय लेता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। ब्रेड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रेड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई है 1,676 मीटर।
भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला ये भरता नहीं होगा या लगता होगा, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म पाली में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कहलाता है कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द जोड़े गए। सांबर झील जिसके जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांबर झील जिससे नमक बनता है ये राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है।